जितना कि ये देखने में अच्छा है उतना ही ये खान भी बहुत टेस्टी है। इसे बहुत बनाना बहुत इजी एंड बहुत आसान है। तो चलिए बैगन की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है वैष्णव इंग्लिश फूड में। और आज मैं बनाने वाली हूँ बैगन की सूखी सब्ज़ी। तो चलिए बैगन बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे और कुछ लंबे साइज़ में बैगन काट लिए हैं। इन्हें मैंने पानी में रखा है कि काले पड़ जाते। जीरा, तेज पत्ता, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, लहसुन प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में सरसों का तेल डाला। अच्छे से तेल गर्म हो गया तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, प्याज को हम अच्छे से मिला देंगे और इसे 2 मिनट तक पकने देंगे मंदी फ्लेम पे। तो प्याज ये 2 मिनट तक अच्छा पके, हरी मिर्ची और इसे भी हम 1-2 मिनट ही तक पकाएंगे मंदी फ्लेम पे। प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन अच्छे से ये पक चुके हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे बैगन और बैगन को हम अच्छे से मिला देंगे और इसे 5 मिनट के करीबन मंदी फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे अच्छे से मिक्स करके। और इसे 2 हल्दी नमक डालेंगे। हल्दी नमक भी मिला देंगे हम इसको। तो यहाँ पे हल्दी नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये देखिए अच्छा प्यारा सा कलर आ गया है। नमक हल्दी मिक्स करके अब हम इसको 5 मिनट के लिए और मध्य फ्लेम पे इसको ढक देंगे। गैस को मंदा ही रखेंगे। धीमी आंच, देखिए 5 मिनट हो चुके हैं तो बैगन देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, यानी कि अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें इसको अच्छे से मिला के अब डालेंगे हम टमाटर, और टमाटर को भी हम मिला देंगे और 2-3 मिनट तक इसे मध्य फ्लेम पे ही पकाएंगे। और हम टमाटर के लिए 2-3 मिनट तक ही ढक देंगे टमाटर डाल के। और ये देखिए टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से पक चुका है। तो ये सारा मिक्स करेंगे। मिर्ची ली, धनिया, खड़ा गरम मसाला, पिसा हुआ मसाला, सब्जी मसाला, इन तीनों चार मसालों को एक कट्टा डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। और 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे मसाला डाल के ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब लास्ट टाइम में हम डालेंगे कस्तूरी मेथी और इसको मतलब हाथ से मैंने क्रश कर लिया था और फिर मिक्स कर देंगे और बस 1-2 मिनट तक और पकाएंगे मध्य फ्लेम पे। बैंगन की सब्ज़ी एकदम परफेक्ट तैयार हो चुकी है। मसाला ये देखिए, मसाला तेल छोड़ दिया तो मसाला है अच्छे से थिक, अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। आप पूड़ी पराठा के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।